उदाहरण के बिना कुछ नहीं होता। चाहे हम गणित कर रहे हों, चाहे हम विज्ञान पढ़ रहे हों, चाहे हम भौतिक शास्त्र कर रहे हों, हर चीज़ के लिए अगर वो हमारे पास एग्जाम्पल के साथ समझा दी जाती है तो वो समझने में काफ़ी आसान नज़र आती है। तो ठीक है, मैंने भी सोचा कि चलिए रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं तो मैं भी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ या कुछ उदाहरण देकर जो है रिपोर्ट राइटिंग को की इस ट्यूटोरियल को बनाती हूँ। तो मैं आई थॉट ऑफ टू टॉपिक्स जो बहुत ही कॉमन हो जाती हैं। दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल जो हमारा होगा वो होगा इवेंट्स को लेकर, इवेंट्स या एनी फंक्शन या किसी कार्यक्रम या कोई समारोह आपके विद्यालय में हो रहा है तो उसको लेकर ये ट्यूटोरियल रहेगा। चाहे आप विद्यालय की वार्षिक उत्सव को ले लीजिए या आपके विद्यालय में पारितोषिक का वितरण कराया गया है या आपके स्कूल में जो है बाल दिवस मनाया गया है या आपके विद्यालय में जो है खेल दिवस मनाया जा रहा है, चाहे आप विद्यालय की वार्षिक उत्सव को ले लीजिए या आपके विद्यालय में पारितोषिक का वितरण कराया गया है या आपके स्कूल में जो है बाल दिवस मनाया गया है या आपके विद्यालय में जो है खेल दिवस मनाया जा रहा है या कोई भी एग्जाम्पल जो है आप उसको लेकर कोई भी एग्जाम्पल जो है इसको लेकर आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। तो मैंने सोचा है कि आई विल गो हेड विद वन ऑफ द एग्जाम्पल। स्वच्छता अभियान तो हमारे देश में चल ही रहा है तो आई थॉट कि स्कूल में जो है या विद्यालय में जो है आपका स्वच्छता अभियान या सफाई दिवस आप कैसे मना रहे हैं, तो आई थॉट लेट मी जस्ट टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ दैट। कार्यक्रम या समारोह के लिए जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, जैसे मैंने बताया कि कोई भी कार्यक्रम हो सकता है, जब हम रिपोर्ट राइटिंग की बात करते हैं तो देर आर अ फ्यू थिंग्स विच यू विल हैव टू कीप इन माइंड। तो जैसे रिपोर्ट राइटिंग का मैंने बनाया है, मैंने पत्र लेखन के लिए भी बनाया है। आप ऊपर दबाएंगे तो मेरे पत्र लेखन के लिए आपको जो जितने मेरे ट्यूटोरियल्स हैं उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली ऐसे के लिए बनाया है मैंने ट्यूटोरियल, जो निबंध है वो वर्णनात्मक है, विवरणात्मक है, निजात्मक है, सबके लिए मैंने ट्यूटोरियल बनाए हैं। तो प्लीज़ क्लिक अबव टू गेट टू नो मोर अबाउट माई ट्यूटोरियल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड, फर्स्ट वुड बी देन जो कार्यक्रम है उसका नाम क्या है और वो किस उसकी प्रकृति कैसी है। तो इनडायरेक्टली इट विल बी द नेम एंड द नेचर ऑफ द इवेंट। सो कैसा कार्यक्रम है, किससे रिलेटेड कार्यक्रम है, वो आपको बताना होगा। तो सेकेंड वन जो है कि अवसर क्या है, ये जो कार्यक्रम या समारोह जो हो रहा है उसके पीछे सेकेंड रीज़न इज़ कि वो क्या कारण है, लाइक वॉट इज़ द ओकेजन। थर्ड पॉइंट हमारे लिए इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कौन से दिन, डेट, किस टाइम, समय और कहाँ, वेयर इज़ द वेन्यू, जो प्लेस उसका कहाँ पर घटित हो रहा है। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर फोर वुड बी कि अब नेचुरली कोई ओकेजन है तो यू विल डेफिनेटली हैव अ चीफ गेस्ट। तो वो चीफ गेस्ट कौन थे या कौन है, वो जनरली रिपोर्ट राइटिंग भूत जो है भूतकाल में ही लिखते हैं, वर्तमान काल में बहुत कम लिखते हैं। तो अनलेस नॉटली यू आर रिपोर्टिंग फॉर अ न्यूज़ और अ प्रोग्राम, सो यू हैव द अदरवाइज जनरली भूतकाल में इसको लिखा जाता है। द फिफ्थ पॉइंट वुड बी कि अतिथि तो आ गए, अतिथि अब कुछ बोलेंगे डेफिनेटली, राइट। सो वॉट वॉज द एड्रेस कि उन्होंने जो सभा है या समारोह जिसके लिए वो आए हैं उन्होंने कैसा एड्रेस किया है और उस एड्रेस में उन्होंने क्या बोला है, वॉट डिड ही से। सिक्स पॉइंट नंबर सिक्स वुड बी कि वॉट हैपन्ड इन द कल्चर, कि आप कार्यक्रम में चले गए, उस कार्यक्रम में घटना वाइज एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रमवार रूप से आप लिखते, तो यू विल बी राइटिंग इन व्हाट हैपेंड वन आफ्टर द अदर इन द पर्टिकुलर प्रोग्राम। सेवेंथ पॉइंट हो जाएगा वो हैगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वर्ड ऑफ थैंक्स एंड कंक्लूजन, उस प्रोग्राम का क्या हुआ, ठीक है, धन्यवाद ज्ञापन और समाप्ति कैसे हुई। दीज आर द सेवन पॉइंट्स विच यू विल हैव टू कीप इन माइंड, राइट। जो उदाहरण के लिए जो मैंने इस ओकेजन के लिए जो बनाया है, वट एवर इज़ अ रिपोर्ट राइटिंग, इट यू कैन मॉडिफाई द रिपोर्ट राइटिंग जैसे आप चाहेंगे उसको। आप इस रिपोर्ट को जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर रही हूँ तो यू कैन रीड इट एंड यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। करती हूँ कि ये जो सारे सेवन पॉइंट्स हैं ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहे होंगे। तो
अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.